फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेल के अंदर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, जहां पर आपको 15 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। उसके लिए आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिया है www.sail.co.in। उसके बाद हम करियर में जाएंगे। करियर में जाने के बाद कुछ इस तरह का सरफेस ओपन होकर आएगा। उसमें आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का सरफेस। तो उसमें हम थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी करके दिखाएगा जितना भी डिपार्टमेंट है उसमें। तो हम लोग का जो डिपार्टमेंट है आज का जो टॉपिक है वो है बोकारो स्टील एंड प्लांट के अंदर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है, जहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ का भी वैकेंसी है, वॉकिंग इंटरव्यू है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके आपको दिखा देते हैं आज का जो टॉपिक है, जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल्स में, जहाँ पर आपको दिखाई देगा ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया द बोकारो स्टील प्लांट द वॉकिंग इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन प्रोफिशिएंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पैरामेडिकल स्टाफ इंटरव्यू द शेड्यूल डेट ऑफ द इंटरव्यू 6 दिसंबर को होगा और 7 दिसंबर को होगा। तो जो फार्मासिस्ट का इंटरव्यू हो वो है 7 दिसंबर को। प्लेस ऑफ इंटरव्यू है एडीएम ब्लॉक बीजीएच एडिशनल सीएमओ 9 AM से आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कहाँ पर इंटरव्यू होगा पूरा डिटेल्स में। तो यहाँ पर आपको टोटल जो वैकेंसी है वो 15 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होता है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ के लिए इस जो पोस्ट है फार्मेसी का जो पोस्ट है उसमें फर्स्ट ईयर का जो सैलरी डिटरमाइन किया गया है वो है 17,000, सेकेंड ईयर के लिए 18,000 और थर्ड ईयर के लिए 20,000 करके सैलरी यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है। तो चलिए यहाँ का जो ड्यूरेशन है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 12 मंथ के लिए आपको लिया जा रहा है। उसके बाद आपको 2 साइकिल और भी एक्सटेंड कर सकता है, जहाँ पर पार्ट साइकिल फिर से आपका 12 मंथ ही रहेगा। तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ का जो आप इंटरव्यू देने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म का जरूरत है उसके बारे में। तो ये रही आपको एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको फिलअप करके इंटरव्यू देने के टाइम पर फिलअप करके ले जाना है। उसके साथ साथ आपका पूरा ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, सारा का एडुकेशन क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सारा डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन सब कुछ एप्लीकेशन आपको ओरिजिनल लेके जाना है। तो यहाँ पर बोला गया है आपको एक 20 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आपको इस एफिडेविट को लिखना है, जहाँ पर आपको इस पूरा एफिडेविट को लिख के आपको पूरा आपका नाम दे के सिग्नेचर करके आपको ले जाना है इसके साथ। तो यहाँ पर और भी बोला गया है जो मेथड ऑफ द सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बात कर लेते हैं, जहाँ पर आपको द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द वॉकिंग इंटरव्यू द कंडक्टेड एट द बोकारो जनरल हॉस्पिटल द प्रीमिसेस बाय द कमिटी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट एंड द अप्रूव बाय द हेड ऑफ द मेडिकल। अब जो वहाँ पर जो बोकारो जो हॉस्पिटल का जो हेड ऑफ द मेडिकल है उसके जो वो जो आपका इंटरव्यू लेगा वॉकिंग जो इंटरव्यू होगा उसमें आपका जो जितना रिजल्ट जितना अच्छा होगा उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर और भी बोला गया जो रिजर्वेशन जो है रिजर्वेशन शैल बी एज पर द प्रेसिडेंशियल डायरेक्शन, जैसा कि आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहता है ऐसा ही क्राइटेरिया यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर बोला गया जैसे कि आपको 30 ईयर्स तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अन्य सब क्राइटेरिया के लिए। उसके साथ साथ आपको 5 ईयर्स SC/ST का और 3 ईयर्स का OBC का और PW का 10 ईयर्स तक आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको बोला गया एप्लीकेशन शैल बी देयर टू प्रोसीड यू फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वेरिफिकेशन। आपको जैसे बोला गया आपको सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है, क्योंकि आपके जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ पर चेक होगा, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स उसके साथ रजिस्ट्रेशन भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। उसके साथ आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनली लेके जाना है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा जो कि वहाँ का जो बोकारो का जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें आपका पूरा डिटेल्स चेक होगा। चेक होने के बाद आप वहाँ पर पास रहेंगे तो फिट रहेंगे तो आप वहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे वहाँ का जॉब करने के लिए। तो यहाँ पर और भी अदर जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं, जहाँ पर आपको बोला गया है आपका कोई भी इंजरी रहेगा मतलब कोई आपको वहाँ पर काम करने के टाइम पर कोई भी इंजरी रहेगा तो उसका जिम्मेदारी सेल नहीं उठाएगा, तो आपको उसको खुद ही लेना है। उसके साथ साथ और भी बोला गया आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो है प्योरली टेम्पोरेरी बेसिस जो कि 12 मंथ का टेम्पोरेरी बेसिस पर आपको लिया जा रहा है, जहाँ पर आपको 1 मंथ नोटिस पीरियड पर कोई कभी भी आपको निकल सकता है। और आपको 20 रुपीज़ का जो जुडिशियल कॉपी है मतलब जुडिशियल कॉपी पर आपको एफिडेविट लेके जाना है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर बोला गया
यहाँ पर काम करने के लिए जो भी सेल्स का सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया का जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब को मान के चलना है। और भी आपको कोई भी रूल्स रेगुलेशन आप वायलेट नहीं कर सकते। उसके साथ बोला कि कोई भी मिसकंडक्ट एंड द अंडर परफॉर्मेंस दिखाई देगा आपके ऊपर तो आपको टर्मिनेट भी कर सकता है, वहाँ से कभी भी टर्मिनेट कर दिया सकता है। तो यहाँ पर और भी बोला गया जो ट्रेनिंग द रिमेनिंग द एबसेंट विदाउट द परमिशन ऑफ और द मोर देन 15 डेज, आपके 15 डेज के ऊपर आपका कोई भी एबसेंट रहेगा कोई भी मंथ पर, ऐसे करके 2 मंथ पर आपको एबसेंट रहेगा तो आपको वहाँ पर भी टर्मिनेट करके निकल भी सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर जो सर्टिफिकेट देगा उसके बारे में। तो यहाँ पर बोला गया है आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका सेल के अथॉरिटी के तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि सेटिस्फैक्टरी एक कंप्लीटेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा जो कि आपको कोई भी इंटरव्यू और कोई भी जॉब प्रोफाइल में काम आ सकता है। तो यहाँ पर और भी बोला गया जो फैसिलिटीज़ जो मिलेगा आपको यहाँ पर काम करने के लिए वो है द ट्रेनिंग शैल बी प्रोवाइड द मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स ओपीडी। आपको हॉस्पिटल्स जिस हॉस्पिटल में आप काम करेंगे उसका ओपीडी में आपको फ्री ऑफ सर्विस में आपको पूरा मेडिकल सर्विस मिलेगा, सिर्फ जितना दिन आप काम करेंगे उसके दिन का ही आपको मिलेगा। उसके साथ साथ और भी बोला गया है जो आप यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाएगा, आपका एकोमोडेशन भी सेल का तरफ से दिया जाएगा, आपको जितना भी अवेलेबिलिटी रहेगा उसके हिसाब से जो दूर का रहेगा मतलब आउटस्टेशन रहेगा उसको पहले दिया जाएगा हॉस्टल का फैसिलिटी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है यहाँ पर ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ का जो फार्मासिस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बोला गया है उसके बारे में, जहाँ पर बोला गया है जो फार्मासिस्ट 10+2 विथ साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको डिप्लोमा इन डिग्री इन द फार्मेसी का एक डिग्री होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया का जो कि 1948 का एक्ट में पड़ता है उसका वैलिड रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है और वैलिड रजिस्ट्रेशन रहना जरूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर लास्ट जो बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव द ओरिजिनल लाइसेंस एंड द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर द डिसिप्लिन इशूड बाय द रेस्पेक्टिव इशूइंग अथॉरिटी। आपका रेस्पेक्टिव जो इशूइंग अथॉरिटी है मतलब फार्मेसी काउंसिल का इंडिया का जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका वैलिड रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपको रहना जरूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड ऑफ द कंटिन्यू करने के लिए। और इसका जो डायरेक्ट लिंक है इसे अप्लाई करने के लिए मतलब PDF पाने के लिए जो डायरेक्ट लिंक है उसका डायरेक्ट लिंक आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इस नोटिफिकेशन डिटेल्स डायरेक्टली देखने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और हाँ, आशा करते हैं नोटिफिकेशन डिटेल्स सही तरीके से देने में और वीडियो को अच्छी तरीके से समझाने में सफल हुआ हूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ, एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑल टाइम विथ फार्मा यर्स। फार्मा यर्स के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।